जीरा टीना अंकल मेरे ब्लॉग मिस्टेक हो गए। अब तो मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पे नीले वड़ा पाव की तरह बैठा रहा हूँ तुम लोगों की मदद करने। अभी मैं शौचालय बॉल से बाहर आ गया हूँ, अभी मैं लगाऊंगा तुम लोगों का वीएटी। व्हाट? मेरे ब्लॉग मिस्टेक ढूंढो जीरा टीना अंकल। अबे नल्ले वड़ा पाव, तेरे को पता तू किससे बात कर रहा है? तेरे को पता मैं कौन हूँ? आप पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स के सबसे जाड़े पोकेमॉन हो। बेइज्जती मारना मेरी। अभी रुक, सबसे पहले तेरी वाट लगाऊंगा मैं। अरे जी टी ना अंकल, ये तो ड्रैगन बॉल सीखा है यार। अबे मेरी मर्जी, मैं कोई सा भी अटैक दूं। सो हेलो भाई लोग, तो आप सभी को स्वागत है पोगीवैक्स हिंदी के अंदर। तो आवाज सुन के तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं पोगीवैक्स हिंदी भाई नहीं हूँ, मैं दूसरा यूट्यूबर हूँ। तो बेसिकली मेरा भी यूट्यूब पर चैनल है और उस चैनल का नाम है पोकी लेजेंड जी। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको नॉर्मली सर्च करने से मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एक पोकेमॉन के बहुत बड़े फैन हैं तो, क्योंकि मैं भी पोकेमॉन से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा, पोकीवैक्स भाई भी दे देंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ, जिसका भाई लोग आपको टाइटल तो देख के पता चल गया होगा। और हमारा आज का टॉपिक है द एंड ऑफ द पोकेमॉन वर्ल्ड। तो यार सब लोग क्रिएशन के बारे में बात करते हैं, तो मैंने सोचा यार आज हम एंड के बारे में बात करते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई प्रूवन थ्योरी नहीं है, ये मैं अपने मन से लगा रहा हूं कि मुझे लगता है कि एंड ऑफ द पोकेमॉन वर्ल्ड, शायद कोई ऐसा एपिसोड निकले जिसके अंदर ये लोग दिखाएं द एंड ऑफ द पोकेमॉन वर्ल्ड। तो इसको बिना दिल पे लेते हुए यार शुरू करते हैं। अबे नल्ले वड़ा पाव, मार खा के शुरू करेगा क्या? शुरू करना। तो भाई लोग, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में बिल्कुल सन्नाटा और बिल्कुल अंधेरा था, तभी एक अंडा आया और उस अंडे के अंदर में से निकला द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन आर्शियस। तो आर्शियस कई समय तक अकेला महसूस करने के कारण आर्शियस ने अपने तीन रूप बनाए, जिसका नाम है डियाल्गा, पालकिया और जीराटीना। तो जीराटीना तो हम सबको पता है यार, जीराटीना सबसे पहला ईवल और डेविल पोकेमॉन है इस पोकेमॉन यूनिवर्स का। और होप्स हो कि यार आप लोगों ने वो वाला एपिसोड देखा होगा जिसके अंदर वो अपना पालकिया या फिर डियाल्गा हुपा नाम का एक पोकेमॉन बनाता है, और जो हुपा पोकेमॉन है वो जियाटीना के साथ शामिल हो जाता है। और जो पावरफुल फॉर्म जियाटीना हुपा पोकेमॉन को देता है, वो वाला एपिसोड आपने शायद देखा ही होगा, या फिर वो किसी मूवी के अंदर अपीयरेंस हुई थी। इतनी मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा भूल चुका हूँ, सो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना भाई लोग। तो यार हुपा आपको पता है कितना पावरफुल, कितना डरावना और कितनी स्ट्रांग उसने फॉर्म दी थी जियाटीना ने हुपा पोकेमॉन को, जो कि अभी भी जीराटीना पोकेमॉन के साथ शामिल हो रखा है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जीराटीना ने आर्शियस को मारने की कोशिश की थी, मारने की कोशिश नहीं, उसने प्लानिंग की हुई थी कि यार मैं आर्शियस को मारूंगा और खुद द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आर्शियस को पहले ही पता चल गया, इसने जीराटीना को डिस्टॉर्शन ऑफ वर्ल्ड के अंदर कैद कर लिया। तो यार डिस्टॉर्शन ऑफ वर्ल्ड ये एक अजीब तरीके का वर्ल्ड है जिसके अंदर में से अननोन भी बाहर आया है, अननोन नामक का एक पोकेमॉन है। तो यार डिस्टॉर्शन ऑफ वर्ल्ड के बारे में इतनी अंदर से डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये ऐसा वर्ल्ड है जिसके अंदर ईविल पोकेमॉन को कैद किया जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि जिस दिन जीराटीना वहां से बाहर आ गया तो फिर वो आर्शियस को भी खत्म कर देगा, और आर्शियस को खत्म करने के बाद वो पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स को खत्म कर देगा और अपना एक नया यूनिवर्स बनाएगा जहां पर सिर्फ ईवल और डेविल पोकेमॉन होंगे। तो ये न्यूज एक वेबसाइट से बाहर आई है, और उस वेबसाइट का नाम मैं बताना नहीं चाहूंगा बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू, क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल भी है, अगर मैंने नाम यूज किया तो हो सकता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए और सबको पता भी चल जाएगा। सोवेल हम चलते हैं आगे। तो उन्होंने ये थ्योरी लगाई है कि जब अपना जीराटीना डिस्टॉर्शन ऑफ वर्ल्ड से बाहर निकल गया तो वो इतनी ज़्यादा गुस्से में होगा, इतनी ज़्यादा रेज में होगा कि वो आर्शियस तक को भी मार देगा और आर्शियस भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद वो अपना नया यूनिवर्स बनाएगा, वहाँ पे अलग अलग टाइप के पोकेमॉन आएंगे, एक अलग यूनिवर्स होगा। तो कुछ इस टाइप की ये न्यूज़ है। तो बेसिकली इतना मुझे अंदर से पता नहीं है, और हो सकता है कि यार ये हो जाए, पोकेमॉन कंपनी वाले ये एपिसोड निकाल देगी यार सही में पोकेमॉन वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है, तो मुझे इतना नहीं पता यार। तो चलो ठीक है, तो अभी पोकेवैक्स सिंधी भाई का और मेरा कोलैबोरेशन अभी यहीं पर खत्म होता है। ये थी मेरी कोई छोटी सी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। और मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक वीडियो का है जहाँ पर मैंने पोकेमॉन पिकाचू डिटेक्टिव मूवी का हिंदी डब बनाया है। सो होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और मेरी सारी वीडियोज चेकआउट करो यार, मैंने पोकेमॉन से रिलेटेड कई सारी वीडियोज डाल रखी है। तो दोस्तों अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रही है। तो यार मेरा एक सपना है कि मैं पोकी हिंदी एक्स के साथ एक बार कोलैबोरेशन करूं। तो मैं उनका चैनल स्टार्टिंग से ग्रो होता देख रहा हूं, मैं उनका चैनल देख रहा हूं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी उनके चैनल का।
तो भाई लोग मेरा बस एक बार सपना है कि मैं पोकी हिंदी एक्स के साथ एक बार कोलैबोरेशन करूं, मेरा बस एक बार सपना है। तो यार पोकी हिंदी एक्स भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार प्लीज कमेंट करो अगर आपको मेरे साथ कोलैबोरेशन करना है, मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन करना है यार, मेरा सपना है आपके साथ कोलैबोरेशन करना। सो प्लीज प्लीज भाई प्लीज कमेंट करो। तो बस यार हमारा इतना सा तो कोलैबोरेशन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं वो लाइन बोल चुका हूँ, तो जी अटेंड भाई आ जाओ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो और ये अपुन के पोकी लेजेंड्स के चैनल पे भी विजिट करो, ठीक है? चलो बाय।